कॉन्स्टिपेशन एक वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम है। मेरी 5 टिप्स अपनी लाइफस्टाइल में लेकर आइए और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको फायदा हुआ कि नहीं हुआ। पहली चीज, एक्सरसाइज का कोई भी फॉर्म सबसे बढ़िया है वॉकिंग, जरूर करिए। दूसरा, पानी का इंटेक, हाइड्रेटेड रहना है। जितना आप हाइड्रेटेड रहेंगे 3 to 4 लीटर्स ऑफ फ्लूइड इंटेक होना ही चाहिए, डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम करते हैं कुछ स्पेशल टिप्स। सबसे पहले चिया सीड का इंटेक करिए। अगर चिया अवेलेबल नहीं है तो आप सब्जा या हलीम, गार्डन क्रेस सीड्स, इनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इनको सोक करके खाना बिल्कुल मत भूलिएगा। 15 ग्राम की क्वांटिटी लीजिए, मट्ठे के अंदर इसको आप सोक करिए, यानी कि बटर मिल्क के अंदर सोक करिए, आप देखेंगे। और इसका इंटेक कितने बजे होना है? 4 to 5 के बीच में, शाम के टाइम। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट टिप है, एक हम सैलेड बनवाते हैं, सैलेड के अंदर आपको एक खीरे को डालना है। मैं यहाँ पे फ्रूट ऐड करूंगी, जिसमें थोड़ा पपाया, 2 to 3 स्लाइसेस ऑफ पपाया, अ हैंडफुल ऑफ पोमेग्रेनेट, अनार, और साथ में थोड़ा सा सीजनल अगर आपको अमरूद मिल जाता है तो वो। तो ये हमारा स्पेशल सैलेड है जिसके रिजल्ट 100% यहाँ पे आते हैं। रात को सोने से पहले थोड़ा सा मिल्क अगर आपको सूट करता है तो हल्की सी उसमें हल्दी डालिए और साथ में एक काली मिर्च डालिए। हल्दी को एक्टिवेट करने के लिए हमें काली मिर्च यहाँ पे डालनी पड़ती है। ये आपकी स्टमक की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, अगर आपको मिल्क सूट करता है तो। इसको और बेहतर बनाने के लिए इसके अंदर आप 2 सोक्ड प्रून आलू बुखारे डालें और एक साथ में डालिए डेट। सबको पीसिए और सोने से पहले आप इसको पी सकते हैं। फिर आप मॉर्निंग में देखिएगा कि आपका स्टमक भी अच्छी तरीके से क्लियर होगा और आपकी एसिडिटी में भी आपको फायदा होगा। एक और टिप, अगर आपको एसिडिटी बहुत ज्यादा होती है तो मॉर्निंग के टाइम एटलीस्ट 1 बनाना का इंटेक यहाँ पे करिए। दूसरी चीज, एटलीस्ट 30 ग्राम्स ऑफ सौंफ को लीजिए, 1 लीटर पानी में उबालिए और पूरे दिन इसको थोड़ा थोड़ा करके आप पीजिए। बताइएगा जरूर फायदा हुआ कि नहीं हुआ।